बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सवाल आया कि आपके ड्रेसिंग टेबल पे क्या होता है? वैसे तो ड्रेसिंग टेबल बहुत ही प्राइवेट स्पेस होती है किसी भी इंसान की, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया है आपको अपनी लाइफ के बारे में भी आगाही देने के लिए एंड अदरवाइज जनरली आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो आपने पूछा कि मेरे ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या होता है। सो दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल, एक्चुअली सरप्राइजिंगली वेरी नीट एंड क्लीन, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपना मेकअप भी ड्रेसिंग टेबल पे रखती तो शायद ज़्यादा मैस होता, बट क्योंकि मेरी मेकअप किट है जो मैंने पहले कभी आप लोगों के साथ शेयर की थी, सो मेकअप जो है वो सारा किट के अंदर होता है और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मेरी स्किन, हेयर और इसी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, एक दो मग्स हैं जो मुझे स्पेशल ओकेजन्स पे दिए गए, तो वो मग्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर मेरी टेल कॉम है, सिजर्स हैं, नेल्स, आपको पता है मुझे अपने मैनिक्योर रखने का बहुत शौक है, तो उसकी उस किस्म की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, बार्बर सिजर्स भी हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि मेकअप आर्टिस्ट आए हुए होते हैं, मेकअप कर रहे होते हैं, तो अगर उस वक्त थोड़े से बालों को ट्रिम विम करना हो तो वो वाला ऑप्शन भी होता है। देन इसेंशल्स, मेरे पास कॉटन बड्स जो ख़त्म हो गए हैं, लेने हैं मैंने और कॉटन बड्स हैं मेरे दांतों को साफ़ करने के लिए, टूथपिक्स हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप तैयार हो रहे होते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, दांतों में अड़ जाती है या कोई इशू से, रेड लिपस्टिक के साथ बड़ी दफ़ा होता है, तो आई गॉट माई टूथपिक्स एज वेल। देन ये कॉटन बड्स मैं अपने साथ रखती हूँ। कॉटन बड्स के दो फ़ायदे हैं, एक तो नेल पॉलिश रिमूवर जब मैंने अपनी नेल पॉलिश चेंज करनी हो, और अगर मैंने अपने नूर बाजुन काजम की मिसले वाटर को यूज़ करना हो फेस को क्लीन करने के लिए, तो कॉटन बड्स तो हर वक्त मेरे ड्रेसिंग टेबल पे होते हैं। देन नेल पॉलिश जो मैं उन दिनों लगाई हुई होती है, तो रेड नेल पॉलिश उसका बेस कोट एंड उसका टॉप कोट, नेल पॉलिश जैसे मैंने एक और अलमारी में भी बंद करके अपनी रखी हुई है। देन मेरी ये छोटी सी एक ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ये एक छोटी सी डेकोरेटिव पीस है जो मुझे बर्थडे पे मिला था कुछ साल पहले। देन आई गॉट अनदर शीशा, एक तो मेरा मेन शीशा है, देन और अगर इसको ऑन करें तो आपको पता चलेगा, ये देखें ना, ये प्रॉपर जो मेकअप लाइट है उसके लिए है, तो एक तो वो मेन शीशा है, देन उसके साथ ये एक छोटा शीशा है जो मैग्नीफाई कर देता है आपके फेस को। तो होता ये है कि अगर मैंने आईब्रोज ट्वीज करनी हो या मैंने बड़ा प्रिसाइज मेकअप करना हो तो उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है, तो शीशा है और उसके आगे एक और शीशा है। देन ऑफ कोर्स देयर इज माय हेयर ब्रश एंड माय राउंड ब्रश, कॉम्ब्स मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ नेल फाइल्स वगैरह भी वहाँ पे पड़ी हैं। देन इस एंड पे आई हैव गॉट सम ऑफ माय हेयर प्रोडक्ट्स, नहा के बाल धो के कंडीशनर यूज़ करने के बाद, अगर आपने बालों को स्टाइल करना है तो कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मेरी, यू नो, दिस मूस, दिस हेयर स्प्रे, दिस शाइन स्प्रे, देन टॉपिक भी है। ये तब आप यूज़ करते हो जब आपने बहुत टाइट बाल बंद किए हुए हो और आपके जो सर की स्किन है, स्कैल्प जो है वो ना नज़र आए, तो वो मैं टॉपिक थोड़ा सा लगा देती हूँ। बट Fortunately, I haven't had to use that in a while because मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बना ली हैं खुद जिनसे बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे कि मेरा जो हेयर ग्रोथ ऑयल है और एंटी हेयर फॉल ऑयल है। नाउ माई प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए हैं, अच्छा ये आप वंडर कर रहे होंगे, अच्छा कुछ ये चीज़ें हैं जो अभी अंडर प्रोडक्शन है जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ नूर बाजुगल काजल की, तो ये ओरिजिनली जो हम लोशन बनाना चाह रहे थे, लाइट सा बॉडी लोशन, ये बनाया था एज अ सैम्पल, तो मुझे पसंद बहुत आया तो मैं उसको यूज़ भी कर रही हूँ, और फिर उसी की हमने जो है वो डिफरेंट फूलों के साथ, डिफरेंट एसेंसेस के साथ उसको आगे क्रिएट किया। मेरा नूर बाजुगल काजल का पिंकिश लिप एंड चीक टिंट, ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, ये पिंकिश वाला है, एक रेडिश वाला भी है, जो रेडिश वाला है वो एक्चुअली अभी तक आपने देखा होगा कि ये सैम्पल वाली हमारी बॉटल है, तो ये काफ़ी ब्राइट सा है, और ये अब इसकी जो फाइनल वर्जन है वो मैं अपने हैंड बैग में रखती हूँ यूजली। नाउ मेरा लिप बाम नूर का स्ट्रॉबेरी वाला, देन माई एंटी एजिंग क्रीम एंड एंटी एजिंग सीरम,
ये नूर की एंटी एजिंग क्रीम एंड एंटी एजिंग सीरम जो मैं बड़ा रेगुलरली यूज़ करती हूँ, क्रीम दिन में लगाती हूँ अपने उसके साथ सन ब्लॉक के साथ, एंड एंटी एजिंग सीरम रात को लगाती हूँ. देन गर्मी है, स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई भी हो जाती है, और उसके अलावा टोनर की ज़रूरत पड़ती है ऑल डे, कभी कभी सिर्फ अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए भी. तो एलोवेरा टोनर जब मैंने आउटडोर का बहुत काम किया हो और स्किन जो है वो थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि रेड हुई भी हो या सनबर्नड हो, तो मेरा एलोवेरा का टोनर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ. इन अदर वर्ड्स इट्स एलोवेरा वाटर, या जिस तरह रोज़ वाटर होता है, ये क्यूकम्बर टोनर है, क्यूकम्बर वाटर, तो ये भी बड़ा यूज़फुल है. रोज़ वाटर जो है, मैं हमारा जो रोज़ टोनर है वो मैं अपने बैग में रखती हूँ. देन मिसले क्लेंजिंग वाटर, इससे मैं अपने फेस एंड नेक को डेली क्लेंस करती हूँ, और अगर मेकअप लगाया हो तो ये मेरा मेकअप रिमूवर भी बनता है. एंड देन कभी वो जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उस किस्म का लोशन लगा हुआ, उस किस्म का मेकअप लगा हो जो वाटर प्रूफ हो, तो फिर उसके लिए मिसले वाटर से पहले मैं पहले एक दफ़ा लोशन अपने रोज़ नेचुरल बॉडी लोशन से फेस एंड नेक को अच्छी तरह मसाज करके कॉटन से उतार के फिर एक दफ़ा मिसले वाटर से भी कॉटन को कॉटन डाल के फेस को क्लीन कर लेती हूँ. सैनिटाइज़र, आई ऑलवेज हैव माई सैनिटाइज़र विथ मी. एंड देन फाइनली वट इज़ ऑन माई ड्रेसिंग टेबल इज़ माई परफ्यूम्स. अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा परफ्यूम्स क्यों नहीं है. मेरे परफ्यूम्स का टेस्ट बहुत स्पेसिफिक है. सो देयर्स कोको शनेल मैडमोज़ेल, एंड देन देयर्स गैब्रियल शनेल का, ये दो मेरे फेवरेट है और ये दो ही मैं यूज़ करती हूँ. दीज आर दी ओनली परफ्यूम्स आई यूज़. और ये एक इतर है जो मेरी आमना चाची का हुआ करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं इसको सूंघती हूँ, लगाती भी नहीं हूँ क्योंकि डर लगता है कि ख़त्म हो जाएगा. सो ये एक इत्र है और ये दो परफ्यूम्स हैं जो मैं हर वक्त लगाती हूँ. एंड दैट्स माई वेरी सिंपल ड्रेसिंग टेबल. ऑब्वियसली ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉज हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें हैं बट उनमें काफ़ी मेस भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी नेल पॉलिश लगानी हो तो ये जो सेपरेटर्स होते हैं पाँव पे वो भी लगाती हूँ. कभी नेल टूट जाए और टाइम और वो जो कहते हैं ना उसको ठीक कराने का टाइम ना हो तो एल्फी भी बनी हुई है. देन देयर्स एक्स्ट्रा मेरी मेकअप की चीज़ें इन हेयर, यू नो वो चीज़ें जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही बट यू नो आगे जाके यूज़ में आएंगी. सो मेरे जो ड्रॉर्स हैं, अब ये देखें, कॉटन पैड्स वगैरह और कॉस्मेटिक पैड्स वगैरह फेस को क्लीन करने के लिए, वो मेरे क्योंकि ख़त्म हो गए हैं. कॉटन वो जो एयरबड जिनको हम एयरबड्स भी कहते हैं या कॉटन बड्स भी कहते हैं, तो वो उसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपनी मैंने तराजों में रखी हुई हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ ऑन माई ड्रेसिंग टेबल. आई होप दैट यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग.